बाद थोड़ी देर के लिए, मात्र कुछ नैनो सेकंड के लिए, ना इनहेलेशन होता है ना ही एक्सहेलेशन होता है. दिस कंडीशन इज नोन एज पॉज. जब नो इनहेलेशन और नो एक्सहेलेशन वाली कंडीशन हो, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉज. बच्चों समझ में आ रहा है तो यस और नो, सीधे बैठ जाओ. सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जहां से भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, कृपया करके सीधे बैठ जाएं, क्योंकि सीधे बैठेंगे तो ग्रेविटी के कारण जो भी बातें बोली जा रही है वो आपके अंदर आएगी. अगर लेटे रहेंगे तो वो ऊपर से निकल जाएगी. तो सीधे बैठ जाइए सभी बच्चों. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड. सचिन, सोनाली, महिमा, सुषमा, सरोजनी, वेरी गुड. बच्चों बस इसी तरीके से इंटरेक्शन रखिए बच्चों क्लास के साथ, मजा आएगा और प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से. बस सीधे बैठो और इंट्रक्शन बना के रखो. तो तीन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और पॉज. इनहेलेशन मतलब एनवायरनमेंट से एयर अंदर आई, एक्सहेलेशन मतलब अंदर से एयर बाहर गई, पॉज मतलब ना तो इनहेलेशन ना ही एक्सहेलेशन. अब बताओ बच्चों, एयर कहां से कहां जाएगी? एयर कहां से कहां जाती है नॉर्मली? तो ध्यान रखना बच्चों, इधर देखो, एयर जाती है बच्चों हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. हाई प्रेशर से लो, जितने भी आंधी तूफान आ रहे हैं दुनिया में, ये आंधी तूफान किस कारण से आते हैं कि एयर कहां से कहां जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर है वहां जाती है. पवन का बहाव किस तरफ होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. तो इसका मतलब सर, इनहेलेशन जब हम कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में एयर प्रेशर क्या रहा होगा? हाई. और थोरोसिक कैविटी में एयर प्रेशर क्या रहा होगा? लो. तभी तो एयर बाहर से अंदर आई. बिल्कुल सही बात. तो एक्सहेलेशन में क्या हुआ?